हेलो एवरीवन, आई एम CSCS CM में निखिल गुप्ता और आज मैं आपको LIC के जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि इंश्योरेंस एजेंट जब हमें समझाते हैं किसी पॉलिसी के बारे में तो कैसे हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पॉलिसी समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। LIC जीवन लाभ पॉलिसी प्लान नंबर 936 एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडाउमेंट प्लान है विच ऑफर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा ना, चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान का मतलब है ऐसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स जिसमें आप प्रीमियम एक लिमिटेड टेन्योर तक भरते हैं बट आपका कवर उससे लंबे समय तक वैलिड रहता है। नॉन लिंक्ड का मतलब है कि इंश्योरेंस प्लान स्टॉक मार्केट से लिंक्ड नहीं है, मतलब रिस्क फैक्टर मिनिमम है। एंड एंडाउमेंट प्लान यानी ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि इंश्योरेंस प्लान और सेविंग्स प्लान दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है। ये आपको रेगुलरली पैसे सेव करने में मदद करेगा सो दैट यू आर एबल टू गेट अ लमसम अमाउंट ऑन पॉलिसी मैच्योरिटी इफ द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स द पॉलिसी टर्म। पॉलिसी होल्डर को अशोर्ड सम मिल जाता है ऑन अ फिक्स डेट इन द फ्यूचर एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अगर कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए एंड पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को सम अशोर्ड प्लस बोनस इफ एनी प्रोवाइड कर देती है। ये आपके पोस्ट रिटायरमेंट के टाइम सिक्योरिटी की तरह काम करता है और कोई भी फाइनेंशियल नीड जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए फंड्स को इकट्ठा करने में मदद करता है। मतलब ये प्लान आपकी लिक्विडिटी नीड्स का भरपूर ख्याल रखेगा थ्रू इट्स लोन फैसिलिटी। तो अगर आपको अर्जेंट फंड्स की रिक्वायरमेंट है यू कैन अवेल लोन अगेंस्ट दिस प्लान। चलिए लेट्स गो ऑन टू मोर डिटेल्स। ओके, जैसे कि हमने देखा कि जीवन लाभ पॉलिसी एक विद प्रॉफिट प्लान है तो इसमें LIC आपको बोनसेस भी देती है। इससे पहले कि हम इसके और टेक्निकल डिटेल्स को समझें, जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस पॉलिसी में एंटर करने के लिए जो आप मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो है 8 ईयर्स, 8 साल के अगर आप हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये पॉलिसी अलग अलग पॉलिसी पीरियड के फॉर्म में 3 ऑप्शंस में अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन 16 ईयर्स, सेकेंड ऑप्शन पॉलिसी पीरियड ऑफ 21 ईयर्स एंड थर्ड ऑप्शन पॉलिसी पीरियड ऑफ 25 ईयर्स। जो मैक्सिमम एज है जिसमें आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं दैट इज 59 ईयर्स फॉर ऑप्शन 1, 54 ईयर्स फॉर ऑप्शन 2 एंड 50 ईयर्स फॉर ऑप्शन 3। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपीज और तीनों ही ऑप्शन में ये अवेलेबल हो सकता है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है और जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो 16 ईयर्स की पॉलिसी में 10 ईयर्स की है, 21 ईयर्स की पॉलिसी में 15 ईयर्स है और 25 ईयर्स की पॉलिसी में 16 ईयर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि एक लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी है, मतलब अगर आप 25 ईयर्स का पॉलिसी पीरियड का ऑप्शन ले रहे हैं तो आपको प्रीमियम बस 16 ईयर्स तक ही पे करना है। मतलब 16 साल प्रीमियम पे आपको 25 साल का पॉलिसी कवर मिलेगा। और इस टेबल में आपको डिटेल्स मिलेंगी अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आई हैव जस्ट नाउ डिस्क्राइब टू यू। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट। और अब देखते हैं जीवन लाभ पॉलिसी में कौन कौन से राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स मतलब एडिशनल कवर जो आप बेस प्लान के साथ ऑप्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर 4 बेसिक राइडर्स अवेलेबल हैं: एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर एंड द लास्ट वन इज न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। चलिए अब इस पॉलिसी के बारे में बेटर तरीके से समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मिस्टर राहुल अभी 25 ईयर्स के हैं एंड वो LIC जीवन लाभ टेबल नंबर 936 की पॉलिसी लेते हैं जिसका सम अशोर्ड 2 लाख रुपीज है। उन्होंने एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर एंड टर्म राइडर भी लिया है और मान लीजिए 25 ईयर्स की पॉलिसी पीरियड उन्होंने चूज करी है तो मिस्टर राहुल को सिर्फ 16 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होगा। मिस्टर राहुल अगर ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड को चूज करते हैं तो उन्हें लगभग 10,283 रुपए देने होंगे ऑन एन ईयरली बेसिस एंड अगर वो मंथली पेमेंट मोड चूज करते हैं तो उन्हें लगभग 874 रुपीज देने होंगे इंक्लूडिंग GST। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये प्रीमियम थोड़ा सा कम हो जाता है। मैच्योरिटी के बाद यानी 25 साल बाद आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कुछ इस प्रकार है: सम अश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी जो कि 2 लाख रुपए है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा
एक्यूमुलेटेड बोनस अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए का, फाइनल एडिशनल बोनस अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपए का। इन ऑल काफी जबरदस्त फायदा, आपको ब्रॉडली 5,40,000 रुपए रिटर्न मिलेगा ऑन मैच्योरिटी, और ये मैच्योरिटी अमाउंट भी कंप्लीटली टैक्स फ्री है। तो चलिए अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर इस पॉलिसी को लेने के बाद पूरे पॉलिसी पीरियड यानी 25 ईयर्स तक अगर मिस्टर राहुल की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाता है। नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड है 2 लाख वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एक्यूमुलेटेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। ये जो बोनस का अमाउंट है ये इस पे डिपेंडेंट है कि पॉलिसी कितने ईयर्स तक चली है, जितने ज्यादा ईयर्स होगा उतना ही बोनस का अमाउंट ज्यादा होगा। अब जानते हैं कि इस पॉलिसी के अदर फीचर्स क्या क्या हैं, जैसे ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड यानी प्रीमियम को पे करने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम आपको अवेलेबल किया जाता है वो। अगर ग्रेस पीरियड के टाइम भी अगर डेथ क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। अगर पॉलिसी होल्डर ने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली प्रीमियम पीरियड का मोड चुना है तो उनको 30 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर उसने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड चूज किया है तो ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है। अब अगर सरेंडर वैल्यू की बात की जाए तो पॉलिसी होल्डर्स 2 साल प्रीमियम भरने के बाद ये सरेंडर कर सकते हैं। पर एक चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सरेंडर करेंगे तो यू विल हैव टू बेयर सम लॉसेस। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पॉलिसी लेते समय उस ही अमाउंट की पॉलिसी लें जो आपको बाद में सरेंडर करने की नौबत ना आए। अब अगर लोन फैसिलिटी की बात की जाए तो ये आपको 2 साल के प्रीमियम को देने के बाद ही मिलती है। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पॉलिसी चली कितने साल तक है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। अगर हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो जो भी इस पॉलिसी के अंदर प्रीमियम पे करते हैं वो सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स देने से एग्जेम्प्टेड होते हैं, और जो बेनिफिट्स हैं वो भी टैक्स फ्री होंगे अंडर सेक्शन 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हमने आज LIC जीवन लाभ के बारे में काफी कुछ जाना। आई होप आपको समझ में आई होंगी कुछ बेसिक चीजें एंड आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यस, हम आपसे फिर मिलते हैं ऑन द चैनल ऑफ जोश मनी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड यस फॉर सब्सक्राइबिंग टू द माई चैनल द लिंक इज गिवन इन द पिंड कॉमेंट्स विच इज गिवन बिलो। सो यस, मिलते हैं मेरे चैनल पे भी विद न्यू वीडियोज ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ऑन पॉलिसीज and on several aspects of finance.